मेरे हाथ में अखबार का कुछ पन्ना है, आप सभी देख सकते हैं, और मेरे बगल में मेरी माँ है। घर पे पुलिस वाले जाते हैं और कहते हैं कि बेटा को हाजिर कराइए, गिरफ्तार करवाइए, हाजिर करवाइए। मैं वो कलम नहीं जो बिक जाऊं दरबारों में, मैं वो कलम नहीं जो बिक जाऊं दरबारों में, मैं चलना सीखा हूं अंधेरी चौबारों में, सच्चाई का राजदूत हूँ, सच पे मरने वाला हूँ और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है हमारा स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आज हम लोग जो है ना किसी कोई जीव जंतु के लिए नहीं बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे बिहार में जो है ना कि मानवता को भी शर्मसार किया जा रहा है, जिसके कारण उस पर हम बात करेंगे। और बात करेंगे हम लोग मनीष कश्यप की। आज मनीष कश्यप जो है ना कि तमिलनाडु में जो घटना हुआ उसके लिए वो आवाज़ उठाया। आवाज़ उठाने के दौरान जो है ना कि हमारे बिहार के कथाकथित जितने भी राजनेता लोग हैं वो हमारे मनीष कश्यप पर भिड़ गए। और ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि मनीष कश्यप हमेशा जो है ना कि सच्चाई के लिए आवाज़ उठाया, ये मैंने देखा। लेकिन हाँ, मानते हैं कि थोड़ा सा बरबोली जो है कि बोली में उनका जो है ना कि करापन रहता है, चाहे कुछ अड रहता है, लेकिन हमेशा जो है ना कि वो मनीष कश्यप जो है ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ना कि लड़ाई लड़ते रहता है। और एकदम सही बात है कि बिहार के जितने भी भ्रष्ट ऑफिसर हैं वो मनीष कश्यप के नाम से डरते हैं, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। दोस्तों, मैं एक यूट्यूबर के नाते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे बिहार के जो है कि मनीष कश्यप एक बहुत ही उभरते हुए हमारे यूट्यूबर है, तो अगर वो आगे की ओर बढ़ रहा है तो हमें जलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ राजनेता लोग जो है ना कि उसको जो है कि आगे की ओर बढ़ने नहीं देना चाह रहे। अच्छा, ये बताइए, तमिलनाडु में जो घटना हुआ उस घटना पर जो है ना कि ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, वो वीडियो देखने के बाद हम भी खुद दुखी हो जाते हैं और बहुत ही पीड़ा होता है। तो मनीष कश्यप के कहीं से वो वीडियो मिला, उसके बाद उसको लगा कि ये जो है ना कि तमिलनाडु में बिहारी के साथ जो है कि गलती हो रहा है, उस पर जो है ना कि वो कोई ऐसा अभद्र बात नहीं बोला कि जिससे जो है कि क्या कहते हैं लड़ाई झगड़ा जो उन्माद होता है वो फैलाने की वो कोशिश नहीं किए, लेकिन अपने तरफ से एक कोशिश किए कि नीतीश जी हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, अब उप मुख्यमंत्री हो गए, उनको जो है कि ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बोला कि से आप जो है कि इसको जो है कि इस पर संज्ञान ले, अगर ये सही है तो इस पर कड़ा एक्शन ले, अगर सही नहीं है तो कोई बात ही नहीं। दोस्तों, लेकिन बड़ा दुख होता है कि 100 बिहारी, एक बिहारी 100 पर भारी, ये बात केवल कहने को है कि तमिलनाडु में मारा गया है, तमिलनाडु में मारा या नहीं मारा गया, ये बात बताइए ईमानदारी से, जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, बिहारी कहां मार नहीं खाता है, बिहारी कहां लात नहीं खाता है, बिहारी कहां काम करने जाता है जहां मां बहन बिहारी को नहीं किया जाता है, ये सच्चाई है या नहीं है। हम बिहारी, जो भी बिहारी है ना, ये एक बिहारी 100 पर भारी, जो नेता आते हैं स्टेज पर आ जाते हैं, स्टेज पर आने के बाद एक बार लगाते हैं नारा हम बिहारी 100 पे भारी, और खुश कौन होते हैं, वही मजदूर जो बाहर में जाकर लात जूता खाते हैं, बाहर में जाकर माँ बहन के गाली सुनते हैं, वही बिहारी जो है कि वही मजदूर जो है कि लाइन में खड़ा रहता है, भाषण के पास सुनते रहता है और ताली बजाना चालू कर देता है। लेकिन मैंने देखा है कि ये कहावत जो है कि केवल कहावत है, इसमें कहीं कोई दौरा नहीं, हम बिहारी एक बिहारी 100 पे भारी नहीं है, एक बिहारी घंटे पे भारी है, कहीं किसी पे भारी नहीं है। कौन स्टेट, तमिलनाडु हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी जो हमारे बगल में, वहाँ पर बिहारी को भी जो है कि गाली दिया जाता है, मारा जाता है, वो तो दूर की बात है। वही महाराष्ट्र में देखिए राज ठाकरे, ये एकदम खुल्लम खुला बोला बिहारी को क्या नहीं बोला गया, बिहारी को लात मार के, बिहारी को ट्रेन में से धक्का दे देकर निकाला जाता है, उस समय हमारे राजनेताओं के मुंह में दही जम जाता है। और यही एक मनीष कश्यप जो है ना कि हमारे, उसके बात को लोग सुनते हैं, उसके बात को फॉलो करते हैं, तो वो बोला, उस पर जो है कि आवाज उठाया, तो आज उसको जो है ना कि से FIR कर उसको जेल में डाला जा रहा है, ये सब गलत है। इसलिए नैतिकता के नाते मैं रमेश पासवान, और एक बिहार के यूट्यूबर होने के कारण, मुजफ्फरपुर के यूट्यूबर होने के कारण, मैं भी मुजफ्फरपुर से मैं शांतिपूर्वक ढंग से, मैं नैतिकता के रूप में मैं मनीष कश्यप के साथ हूँ, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। क्योंकि मनीष कश्यप जहाँ कहीं भी आवाज़ उठता है, वहाँ पे जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत होता है, वहाँ पे मनीष कश्यप थोड़े देर के लिए हो, एक दिन के लिए हो, दो दिन के लिए हो, लेकिन वहाँ पर पहुँच जाता है और लोगों को मदद करता है। और रियल में बिहार में अगर सोशल मीडिया का ताकत कोई अगर दिखाया है तो वह मनीष कश्यप, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं, सोशल मीडिया का ताकत अगर कोई दिखाया है तो वो मनीष कश्यप। इसलिए आप लोग भी
सोशल मीडिया के माध्यम से अपना ताकत को दिखाइए, अपने ताकत को लोगों के जहन में डालिए कि हमारे पास भी एक मोबाइल है जिससे गलत हो रहा है उसको शूट कर मैं पूरे दुनिया में फैलाऊंगा जिससे लोग गलत करना छोड़ देगा। और बिहार में मनीष कश्यप के कारण जो है कि कोई भी पदाधिकारी के पास कोई भी विभाग में अगर वो चला जाता है तो वहाँ पे जितने भी पदाधिकारी भ्रष्ट पदाधिकारी है, जो ईमानदार पदाधिकारी है उसको कोई डर नहीं, किस क्या चीज़ का डर है, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारी जो रहते हैं वो मनीष कश्यप से डरते हैं। इसलिए मैं नैतिकता के नाते मैं मनीष कश्यप के समर्थन में हूँ और मेरे जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं कोई राजनीतिक इसमें नहीं करना चाहता हूं। हाँ मानते हैं कि से ये मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को जो है ना कि ललकारा और उसके बारे में बोला कि तुम कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हो, जिसके कारण हमारे बीजेपी के आईटी सेल के जो लोग होते हैं वो कूद गए इसमें और मनीष कश्यप के बारे में गलत गलत जो है कि पोस्ट डालना चालू कर दिए। इसलिए मुझे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो चाहे आम आदमी पार्टी से हो चाहे राजद से हो चाहे जदयू से हो, इसको राजनीतिक एंगल मत दिया करो दोस्त। ये राजनीतिक एंगल देकर जो है ना कि मनीष कश्यप के लिए तुम लोग और जो है ना कि शिकंजा कसा जा रहा है। इसलिए आप सब जितने भी व्यूअर जो मनीष कश्यप के सपोर्टर है, जो मनीष कश्यप के समर्थन में है, उनसे मैं चाहूंगा कि कोई भी इसमें राजनीतिक मुद्दा को आप लोग नहीं जोड़िए ताकि मनीष कश्यप को जो है ना कि जो जेल जेल में जो डाला जा रहा है जेल में उसे रिहा होकर जो है ना कि वो फिर से आए और फिर जो है कि हम लोग के बीच में सच्चाई के लिए लड़ना चालू कर दे। एक नारा है ही, जब तक जेल में चाना रहेगा आना जाना लगा रहेगा, तो हम जैसे क्रांतिकारी लोगों के लिए, अब ये मनीष कश्यप जैसे लोगों के लिए जेल में डालना कोई बड़ी चीज नहीं है, तो जेल में कितना दिन डालेगा और कितने का डालेगा, इसलिए जेल जाने से डरना नहीं है। इसलिए मेरा एक बार और नारा है, जब तक जेल में चाना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। इसलिए नैतिकता के दम पर मैं मनीष कश्यप के साथ खड़ा हूं और जो भी आप लोग हैं शांतिपूर्वक ढंग से आप लोग भी उसके साथ खड़ा रहे ताकि सच्चाई का जीत हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।